हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, जेड अपॉन में जेड प्लस 15 इक्वल टू में 4/9 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही, ये वाली चीज़ इधर डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर ये चीज़ डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, या फिर आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये वाला इधर। तो देखो 9 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 9z आएगा इक्वल टू में 4 इधर है ही है और ये जेड प्लस 15 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहले ब्रैकेट में। अब देखो 9z इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा, 4z मल्टीप्लाई होके और 15 4 दा कितना होता है आपके पास 60, ठीक है। तो z वाली टर्म्स को एक तरफ करो, 9z माइनस का 4z इक्वल टू में 60, 9 में से 4 माइनस करो कितना होता है 5, तो ये आ गया 5z और ये है 60, और z कितना आ जाएगा देखो 60 अपॉन में 5, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो 5 इधर जाके डिवाइड में जाएगा, बताओ क्लियर। और ये 5 1 5 5 2 10, तो z का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ गया 12 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।